अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राणा आदिल। आज हम लोग एक सफर पर जाने लगे हैं जिसके लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे साथ चलेंगे। तो एंड तक देखिएगा, हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। हमने अपने सफर का आगाज किया साहिवाल से। साहिवाल से हम फैसलाबाद पहुंचे और फिर हमने फैसलाबाद से इस्लामाबाद के लिए मोटरवे ली। तो चलें आज की अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ से जी आप मोटरवे पर चढ़ने लगे हैं, टूल प्लाजा पर हम रुके हैं जी। गाड़ी में ई टैग लगा हुआ है। अब ये हम फैसलाबाद से बाहर निकले हैं जी, आप मोटरवे पर आ गए। आप जाएगी सीधा इस्लामाबाद। तो हम किधर जा रहे हैं यार? इस्लामाबाद। आप पहले गए हो? चलें आज इंशाल्लाह जाएंगे इस्लामाबाद। अभी जी 2 बजे हैं और 2 बजे हम फैसलाबाद से मोटरवे के ऊपर चढ़ गए हैं। इंशाल्लाह आप यहाँ से 2 से 2.5 घंटे लगेंगे और इस्लामाबाद। पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, मैं और दाऊ पिज़्ज़ा खाने लगे हैं। ठीक है जी, है दाऊ? पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है, पिज़्ज़ा हम खाने लगे हैं जी। मज़ेदार है ये। शल्ला भी पीछे खा रहा है। सबको आप नहीं खा रहे? ये जी लाहौर शेखुपुर और ये इस्लामाबाद। आप हम जाएंगे इस्लामाबाद, आपने लाहौर जाना तो आप सीधे चले जाना है। ये देखो पिंडी भटियां इस्लामाबाद मोटरवे, ये आप बड़ी सड़क पर आप आ गए हो। जिसने करना है वो कर ले। ये देखो ना, ये मस्जिद बनी हुई है सामने। ठीक है जी, और क्योंकि यहाँ पर बाथरूम है। हाँ जी, यहाँ पर वॉशरूम है, होटल है, पेट्रोल पंप्स हैं। अभी जी हम यहाँ पर रेस्ट एरिया पर रुके हैं। यहाँ पर सारे बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं। ठीक है जी, और मैं और शल्ला भी खड़े हैं, कुछ चीज़ें निकालनी है यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर सारे वॉशरूम कर लेंगे, फिर कुछ चीज़ खाते हैं, पानी शानी पीते हैं, मुंह धोते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ से चलते हैं। ठीक है जी, और मैं पिछले व्लॉग में आपको दिखाना भूल गया कि ये चीज़ें मैं बता रहा था आपको कि काफ़ी काफ़ी बड़े इन्होंने रेस्ट एरियाज बनाए हुए हैं हर 60 से 70 किलोमीटर पर। जो पिछले व्लॉग पर जब मैं, राशिद भाई और साजिद आए थे, तब हम एक छोटे रेस्ट एरिया पर गए थे जहाँ पर मकैनिक्स और मस्जिद और खाने पीने की सिर्फ एक बेकरी बनी हुई थी और साथ में वॉशरूम थे। लेकिन ये काफ़ी बड़ा एरिया, मैं चले आपको दिखाता हूँ यहाँ के वॉशरूम वगैरह भी। आप लोग ये जेंट्स वॉशरूम है जी, ये देखिए ये बनाया हुआ है इन्होंने वजू करने के लिए। ये आप खड़े होकर पेशाब वगैरह कर सकते हैं और ये इन्होंने सारा यहाँ पर लगाया हुआ है। ये बंदा साफ करने के लिए भी यहाँ पर सब कुछ जाके और यहाँ पर ये बेसन है, यहाँ पर ये साबुन वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने सारे। और अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ अंदर से। ये देखें कितने क्लीन है, जो साफ है। यहाँ पर डब्ल्यूसी लगी हुई है कहीं पर, ये देखिए डब्ल्यूसी वगैरह और ये कमोड भी है। तो चलिए अब मैं भी वॉशरूम खोलूँ, उसके बाद आपके साथ बात होती है। श्याम इसका नाम है। यहाँ पर हम खड़े हैं, बच्चे अभी इंजॉय कर रहे हैं, सारे वॉशरूम से उतर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये फ्राई चिक है, उनके आगे प्ले एरिया बना हुआ है, वहाँ पर ये सारे इंजॉय कर रहे हैं। अब यहाँ से 220 किलोमीटर रह गया जी इस्लामाबाद। तो इंशाल्लाह ये जो 220 किलोमीटर हैं ये हम 2.25 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे। तो चलें जब तक ये खेलते हैं तब तक खड़े हैं, उसके बाद फिर अपना सफर आगे कंटिन्यू करेंगे।
आप जी यहाँ से हम चल पड़े हैं रेस्ट एरिया से, आप इस्लामाबाद के लिए दोबारा चल पड़े हैं। चाय यहाँ से पीनी थी लेकिन रश बहुत ज्यादा है, तो हमने सोचा कि यहाँ पर आप नहीं ठहरते, आप कहीं और जगह पर स्टे करेंगे, वहाँ से चलकर इंशाल्लाह चाय पिएंगे। आप जी फिर ब्रेक हुई है थोड़ी सी हमारी खाने की, आप खाना खा रहे हैं जी। ये हम पहुंच गए हैं जी पहाड़ों के पास, कलर कार के पास। मैं दिखाता हूँ आपको, पहाड़ नजर आने शुरू हो गए हैं। A few moments later. अब हम उतर गए हैं रेस्ट एरिया पर, ठीक है, चाय पीने के लिए। ये सड़क जा रही है इस्लामाबाद को और हम आ गए हैं रेस्ट एरिया पर। सड़क से उतर आए हैं चौहा सैदन शाह कलर कहार और जीन। ये देखो जी, ये आप पहुंच गए हम। देखिए इधर सारे पंप है और ये सामने देसी होटल है जहाँ से हम चाय पिएंगे। लो जी, अब हम यहाँ पर रेस्ट एरिया कलर कहार वहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से हम चाय पीने लगे हैं जी। अब जी सारे पीछे बैठ गए हैं, चाय का हमने ऑर्डर दे दिया है, चाय पियेंगे, कलर कहार खड़े हैं। तो अभी ये लास्ट यहाँ पर स्टे करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अभी इस्लामाबाद जा कर ही रुके लें जी। यहाँ पर उतरे हैं, चाय बन रही है, उतनी देर तक मैं और बच्चे और फ्रूक वगैरह सारे हम जा रहे हैं आगे सैर करने के लिए। आगे जगह देखते हैं, साथ में आपको भी दिखाते हैं जी। अभी 3:30 हो चुके हैं जी, यहाँ से कोई 139 किलोमीटर के फासले के ऊपर इस्लामाबाद है जी। ठीक है, अब मैं आगे से आपको दिखाता हूँ कि हम किस जगह पर फिर रहे हैं और माशाल्लाह कितना खूबसूरत व्यू है। बसें हैं जी, लग्जरी बसें हैं जो इस्लामाबाद जाती हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत प्लेस, ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह प्लेस है। और ये बच्चे भी चले आ रहे हैं जी, ये सफ़ा सलवा आसमा और पाची ये सारे चले आ रहे हैं जी। और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है जी ये सारी, ये बेकरी आ गई और ये एरिया रेस्ट एरिया वगैरह। ये देखें जी, ये है जी वॉशरूम। ये आप मोटरवे का जो रेस्ट एरिया है उसके अंदर ये वॉशरूम बने हुए हैं, आप देख सकते हैं साफ के पीछे साबुन वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर वजू करने के लिए भी जगह बनाई गया, तो उसका मोटर वगैरह लगे हुए हैं, 24 घंटे यहाँ पर सफाई होती है।
ये खासियत है बिल्कुल आपको जो बाथरूम है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर मिलेंगे, साफ सुथरे यहाँ पर मिलेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, वॉशरूम के बाद आपके साथ बात करता हूँ आकर बारे, तब तक बच्चे भी गए हुए। अब बच्चे चले गए साजिद भाई के पास और मैं खड़ा हूँ यहाँ पर वॉशरूम के बाहर ही, क्योंकि फ़ारूक साहब अभी अंदर गए हैं तो अभी तक बाहर ही नहीं आए। ये फ़ारूक साहब निकल आए हैं बाहर, चले आ रहे, भी तेरा वेट कर रहे सी जनाब, आ जाओ चलिए। तो वो चले गए सारे। बच्चे चले गए थे सारे जी, मैं और फ्रूट पीछे रह गए थे। अभी वहाँ पर खाने का ऑर्डर दिया था, खाना आ गया, खाना खाएंगे और साथ में चाय पियेंगे। अभी देखें कितना टाइम यहाँ पर गुजारते हैं जी, मेरा ख्याल आधा पौना घंटा यहाँ पर लग जाएगा और इस्लामाबाद पहुँचते तक रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा इस्लामाबाद पहुँचते हुए। जाकर सोएंगे क्योंकि शादी पर आए हुए थे, शादी कल स्टार्ट होगी, एक मेहंदी हो गई है, एक मेहंदी रह गई है वो लड़की वालों की, कल मेहंदी है जी, तो कल मेहंदी अटेंड करेंगे। एक दिन पहले ही हम आ गए थे, कल इंशाल्लाह सारा दिन हम इस्लामाबाद फिरेंगे, फैसल मस्जिद देखेंगे, मुख्तलिफ जगह पर जाएंगे और उसके बाद रात को मेहंदी का फंक्शन अटेंड करेंगे। तो चलें पहुंचते हैं, सामने होटल आ गया, वहाँ पर खाना खाते हैं। चलते क्या खा रहा है जी, चाय पी लिया, खाना शाना खा लिया, अब यहाँ से चलने लगे हम। टाइम हो गया जी 4 बज गए हैं और इंशाल्लाह बस अब अपना सफर कंटिन्यू करने लगे हैं यहाँ से। चलने लगे हैं यहाँ से, साजिद भाई वॉशरूम गए हैं, आप यहाँ से इस्लामाबाद के लिए मैं ड्राइव करूँगा गाड़ी और साजिद भाई कह रहे हैं कि मैं ज़रा रेस्ट कर, तो बस यहाँ से निकलने लगे जैसे ही बच्चे आते हैं। अब सारे बच्चे पीछे बैठ रहे हैं जी गाड़ी में और कलर कार से अब हम निकलने लगे हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है कि घंटे तक हम इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। ये आधी टैंकी हुई है, अभी यहाँ तक आए हैं। तो जी I-8 पर हमारी बुकिंग थी, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, गाड़ी पार्क कर दिया, अब चले हैं होटल के अंदर, जाकर देखते हैं कि किस तरह का कमरा है और किस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो आ जाए मेरे पीछे, ये एक्चुअली गेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है पूरा, मेहमान यहाँ पर ठहरते हैं। तो चले आप चलते हैं और अपना जगह कमरा देखते हैं कैसे। बेसमेंट में कमरा है जी, काफ़ी मशहूर बड़ा है, आ जाए आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी, अगर फ्रूट तो आपको दिखा सके, फ्रूट ये काफ़ी बड़ा है जो कमरा है यहाँ पर, और ये वाला हमारा कमरा है जी, ये देखिए ये वाला।
ये कमरा है जो इसमें एलसीडी लगी हुई है, चीजें कुर्सियां वगैरह, और बच्चे बैड हो गए। एक हमारा साथ वाला कमरा है, दो कमरे हमें मिले हुए हैं, तो हम यहाँ पर इंशाल्लाह अब रहेंगे। और ये गद्दे वगैरह भी साथ लगा दिए हैं। अगर आप आगे आ जाए तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर ये वॉशरूम है जी, ये वॉशरूम है जी, जबरदस्त हो गया। वॉशरूम भी जबरदस्त है, सारा कुछ है। अभी यहाँ पर जी मारेंगे रेस्ट, खामोश होते हैं, खाना शाना खाते हैं, कोई चीज खाने के बाद बाकी फिर आपके साथ बात करते हैं। ले जी, अब सारे सोने लगे हैं, मैं भी सोने लगा हूँ, काफ़ी थक गए हैं। 8-9 घंटे का लंबा सफ़र था। आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।